क्या कुछ कहना चाहिएगा चुनावी मैदान में, इस बार टक्कर आपको किससे लग रहा है? सर हमें हमारे किसी से नहीं है, तो जनता चुनाव लड़ा रही है हमें, और इस वार्ड नंबर 3 में पूरे मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा कैंडिडेट वार्ड नंबर 3 में है, और 11 कैंडिडेट यहाँ, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमें जनता चुनाव लड़ रही है और जनता के बीच में हम। क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेगी आपको चुनाव को लेकर इस बार, किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं अपने वार्ड पार्षद के लिए? सबसे पहली प्राथमिकता हमारी रहेगी जो वार्ड नंबर 3 में मूलभूत समस्या है, रोड नली, और उसके बाद वृद्धा पेंशन, और यही सब हमारी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। अच्छा, आप एक युवा कैंडिडेट हैं, आपके अलावे भी कई सारे प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, क्या लग रहा है, क्या कुछ कहना चाहिए? सबसे युवा होने के नाते सबसे ज्यादा समर्थन और सहयोग और आशीर्वाद हमें ही मिल रहा है, क्योंकि सभी वर्गों के लोगों ने देख चुका है, इसीलिए लोगों का ये निर्णय हुआ है कि एक बार युवा को लाया जाए और वार्ड नंबर 3 को सुंदर और स्वच्छ बनाया जाए। अपने वार्ड को कैसा देखना चाहते हैं आप, क्योंकि चुनाव बहुत ही नजदीक आने वाला है और नजदीक हो गया है, तो अपने वार्ड को कैसा देखना चाहते हैं? अपने वार्ड को पूरे बिहार में अपने वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाने की सोच रहा है और एक आदर्श वार्ड देखना चाहते हैं। क्या लग रहा है अभी तक ऐसा क्यों नहीं हो पाया? अभी तक इसलिए नहीं हो पाया कि ऐसे वर्गों के लोगों को हमने जिता दिया है जो सिर्फ अपने झोली भर रहे हैं, जो काम से कोई मतलब नहीं रहा। खुले ऐलान कर रहे हैं आप जी, आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना? एकदम कोई झूठ नहीं बोल रहा है हम, इससे ये नहीं कि चुनाव आज है तो हम आज निकले हैं, अब पिछले 33 वर्षों से मैदान में और लोगों के बीच में है। 3 वर्षों से आप मैदान में जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों को सरकारी योजनाओं का समस्या खास करके झेलना पड़ता है, तो किन किन समस्याओं को आप देख रहे हैं और अगर आप जीत के आते हैं तो उनको आप ठीक करेंगे? सबसे पहले तो कोरोना काल से हम लोग लगे हुए हैं, सैनिटाइजिंग से लेकर लोगों को समझाना बुझाना कि आप लोग रहिए घर में, सब चीज़ से तब से लगे हुए हैं। और जो मूलभूत समस्या है वार्ड की, रोड नाला पानी, सबसे पहली प्राथमिकता हमारी यही रहेगी। उसके बाद जो वृद्ध लोग हैं उनके विधवा पेंशन ये सब टोटल चीज मिला आ जाएगा, सबसे पहली प्राथमिकता हमारी यही रहेगी। जी अपना परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय मोहम्मद इरशाद उर्विकी, वार्ड नंबर 3 प्रत्याशी, नगर निगम मुजफ्फरपुर।